जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीएड करें या फिर एमए करें, बीए के बाद में हमारे लिए कौन सा कोर्स है बेस्ट? तो साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं। दोनों ही कोर्स के अपने अपने एडवांटेज हैं, लेकिन दोनों ही कोर्सेज के अपने डिसएडवांटेज भी हैं। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा या मत करिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीए के बाद में कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा, बीएड बेस्ट रहेगा या फिर एमबीए बेस्ट रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बीएड की, बीएड किन को करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको जॉब जल्दी चाहिए या आप अभी टीचिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, तो आपको क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। क्योंकि बीएड करने के बाद में जितनी भी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उनको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के टेट के एग्जाम होते हैं वो पास करने होते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सी टेट का एग्जाम होता है उसको आप पास कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है टीचिंग की, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एजुकेशन लाइन में हैं तो भी आपके लिए बीएड बेस्ट है, यानी कि एजुकेशन काउंसलर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्कूल में आप टीचर हैं या अभी प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बीएड बेस्ट है, यानी कि बीएड आपको करना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में बात करें साथियों के एमए किन को करना चाहिए। तो साथियों, एमए यदि आपका सपना है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना कमांड है आपकी, चाहे वो हिंदी में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद में आपका नेट का एग्जाम होता है, तो नेट का एग्जाम यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरे एडवांटेज की बात करें साथियों, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप एमए कर लेते हैं, तो उसके बाद में जितने भी पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं, यानी कि उनके लिए भी आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो साथियों जब आप एमए कर लेते हैं तो एमए करने के बाद में अब आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी करने के लिए। पहले क्या करना होता था, एमए के बाद में एमफिल करना होता था तब आप पीएचडी करते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत आप एमए के डायरेक्ट बाद में क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जब आप एमए कर लेते हैं आप एज अ पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब बात करें साथियों डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले बीएड की डिसएडवांटेज की बात करें, तो साथियों जब आप बीएड करते हैं तो 3 साल आपको ग्रेजुएशन में लगता है और 2 साल बीएड में लगता है, यानी कि 5 साल लगते हैं, और 5 साल के बाद भी आप ग्रेजुएट ही रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी बीएड है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आती है, यानी कि जितने भी आपके पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप नहीं भर सकते हैं, रिसर्च की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। 2 साल आप पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएशन के, तब भी आप क्या रहेंगे, ग्रेजुएट ही रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यदि आपको रिसर्च की तरफ जाना है, आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड के बाद में एमएड करना पड़ेगा, एमएड के बाद में तब आप क्या करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। तो इसके लिए बीएड में आपका यही डिसएडवांटेज है। तो आपको बीएड करने का सही तरीका क्या है, आपको मैं आपको बता देता हूं कि आपको दोनों ही कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपना बीएड करिए और बीएड के साथ में आप अपना एमए करिए प्राइवेट या फिर डिस्टेंस से, यानी कि बीएड आपका रेगुलर हो जाएगा और उसके साथ साथ आप अपना, जैसे बीएड आपका कंप्लीट होगा वैसे ही आपका एमए भी कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ही डिग्री पूरी तरीके से मान्य होंगी। इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर रखा है कि दोनों ही डिग्री पूरी तरीके से मान्य होंगी, 2 कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, यानी कि बीएड और एमए दोनों ही एक साथ किए जा सकते हैं। और साथ के साथ जब आप दोनों डिग्री आपकी हो जाएंगी तो आपको जहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे आप जा सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप बीएड के साथ अपना एमए कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, तो यानी कि बीएड भी हो जाएगा आपका और आपका एमए भी हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।